करता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम आता है। मैं अभी छोटी सी दुकान चलाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, और वगैरह डीजे वगैरह का प्रोग्राम करता हूँ सर। अभी मुझे क्या उपाय करना चाहिए तो मुझे मतलब आगे सक्सेस हो सकता हूँ मैं? अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। आपका ये कि आपका ऐसा इस समय बहुत ही थोड़ा टेंशन चल रहा है, बल्कि आपकी उधारी वगैरह भी हो गई होगी इस समय, और आप इस समय के अपना कुछ लाइन दूसरी लाइन खोलने की सोच रहे हैं क्या? नहीं सर, अभी तो मेरा डीजे वगैरह का प्रोग्राम चलता है और छोटी सी दुकान में बिजनेस करता हूँ। नहीं, दुकान को बढ़ाने की, उसको आगे कुछ दूसरा काम करने की तो नहीं सोच रहे ना आप? सोचता हूँ मतलब क्या, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता। हाँ, वो करिएगा नहीं आप। हाँ, और अभी आप 2009 तक ऐसा कुछ मत सोचिए, जहाँ आप जो काम कर रहे हैं वहीं करिए, उसमें अच्छा है, अगला साल आपका अच्छा है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो अगला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद वाला साल होगा। आगे चलकर अगर आप बाहर के कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी बाहर के मुल्क से या अपने हिंदुस्तान के अंदर की बाहर के जो स्टेट हैं उनसे भी कुछ काम चालू करिएगा तो उससे फायदा होगा। हाँ बोलिए, और कुछ पूछना चाहते हैं नितेश जी? हाँ जी, मैं क्या बोला, मुझे जो ग्रह नरते है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। क्या कह रहे हैं, क्या क्या पूछा आपने, फिर से बताइए। मेरी जन्म कुंडली में जो नीच का शनि है वगैरह, आपके आपके उसमें सबसे प्रॉब्लम है, मंगल नीच का होके चंद्रमा के साथ बैठा है। जब चंद्रमा मंगल साथ में बैठते हैं तो उतना अच्छा नहीं होता, वो भी नीच का चंद्रमा। तो आप हनुमान जी के मंगलवार में आप दिया जलाइए, यही चीज नित्य करते रहिए जिंदगी भर, आपको फायदा रहेगा। थोड़ा कुटुंब की तरफ ध्यान रखिए, केतु आपके दूसरे ग्रह, तो कुटुंब का आप थोड़ी सेवा करिए। और जहां तक आपका शनि है, आपका शनि नीच का नहीं है, ठीक है, आपका आठवां घर बहुत है, तो आप आगे चलकर 36 साल के बाद आपकी 37-38 के बाद आपकी तरक्की होगी और तरक्की करते रहेंगे, ऐसी भी कोई खराब पत्री नहीं। पर नीच का मंगल है वो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। नीच का मंगल है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानियां आपकी जिंदगी में आती रहती हैं। मंगलवार को हनुमान जी की शरण में जाइए, आपको लाभ प्राप्त होगा, पूरे जीवन आपको दिया जलाना है, आप सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, और 36 साल के बाद आपका भाग्योदय होता है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी। एक और SMS डॉक्टर साहब हमें मिला है, इनका नाम, इन्होंने आसाम से हमें SMS भेजा है और नाम इन्होंने नहीं लिखा है, अपना नाम लिखा है, माफ कीजिए, गुरुदत्त मेहता। जन्मतिथि है इनकी 18 अक्टूबर 1961 2 बजे, 18 अक्टूबर 1961 2 बजे दोपहर, और इनका दिल्ली में जन्म हुआ है, और अभी ये हैं, टाइम क्या है, टाइम है 2 बजे दोपहर, 2 PM। गुरुदत्त मेहता अभी हैं ये लखीमपुर असम में। ये कहते हैं कि मेरा प्रमोशन कब तक हो जाएगा, 5054 इनका लास्ट डिजिट है, गुरुदत्त मेहता असम से। प्रमोशन कब तक हो, ये साल तो इनका बहुत खराब है, इनको प्रमोशन के इस साल अभी आधा 15-20 दिन महीना भर बचा है, इस साल तक प्रमोशन के इनके जॉब में तकलीफ होगी, राज्य से हानि होगी, तो इसका ध्यान रखें। और अगले साल प्रमोशन तो मैं नहीं कह सकता, मगर ट्रांसफर के साथ थोड़ा सा फायदा हो सकता है, मगर ध्यान रखें अगर इनको ट्रांसफर, अगले साल ट्रांसफर का बहुत योग है। बाकी अगर कुछ पूछना है तो फोन पे आके बात कर सकते हैं या मेल पे लिख सकते हैं, मगर ये साल बहुत खराब है, अगले साल ट्रांसफर होने के चांसेस। इस वर्ष थोड़ी सी कठिनाइयां ज्यादा हैं, लेकिन जो आने वाला साल है उसमें आपका स्थानांतरण होने की संभावनाएं बन रही हैं, उसके लिए आप तैयारी रखिए। और यदि और ज्यादा डिटेल में आप अपनी बात पूछना या करना चाहते हैं तो आप जानते ही हैं कि डॉक्टर शंकर अडावल जी से आप ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। उनका ईमेल आईडी है connectingminds@gmail.com, उस पर भी आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम में अभी आप शरीक हो सकते हैं SMS के माध्यम से, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम, शहर का नाम, हमें अभी भेजिए 57575 पर। जी जागरण पर डॉक्टर शंकर अडावल जी अभी 10:30 बजे तक हमारे साथ स्टूडियो में विद्यमान है, बैठे हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं, आप उनसे सीधे प्रश्न भी कर सकते हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक मिनट का ब्रेक है ये, ठीक है। हाँ हेलो, एक मिनट का ब्रेक है स्टूडियो, ठीक है। बरेली सीमा माथुर आ गया।
लास्ट 30 सेकेंड। रेडी फॉर काउंटडाउन। नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं भृगु नाड़ी ज्योतिष। हमारे साथ हैं ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल। आप उनसे सीधी बात कर सकते हैं, अपने सवाल उनसे सीधे पूछ सकते हैं। आपकी जिंदगी में आपके ग्रहों की क्या है चाल, सितारों के संकेत क्या कहते हैं आपकी जिंदगी के बारे में, आपकी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव कब तक रहेंगे और वो क्यों हैं, इन सब के बारे में आप प्रश्न हमसे कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर से आप जानते ही हैं, मैं पुनः स्मरण करा दूं, आप देश में कहीं से भी हमें फोन करना चाहें तो लगाइए 01204698029। दूसरा नंबर है 01204698030। आप हमें SMS कीजिए, अपने सवाल को SMS के माध्यम से हम तक भेजिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका सवाल, आपका नाम, शहर का नाम, अभी भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे, आपने बताया कि केतु के बारे में जो जहां से हमने शुरुआत की थी आज अपने एपिसोड की, केतु और राहु की जब बात आती है तो लोग प्राय डर जाते हैं, ऐसा भय लगने लगता है, पता नहीं सब कुछ अहित ही करेंगे। लेकिन जैसा आपने भी संकेत किया कि केतु की जो उपस्थिति है चार्ट में, जो उसकी स्थिति है, वही हमें आध्यात्मिक शिखर तक ले जाती है। केतु, तो केतु का और क्या क्या रोल हमारी जिंदगी में रहता है और कहां वो सबसे ज्यादा अच्छे फल देता है? केतु जो होते हर चीज न्यूनतम कर देता है। जैसे केतु अगर किसी आपके माता, चंद्रमा माँ का कारक होता है, केतु चंद्रमा के साथ हो तो माँ को बहुत दुख तकलीफ, मगर सोना बन के निकलती है माँ, लोग कहते हैं। केतु प्रोफेशन में होगा तो प्रोफेशन में इतने अप्स एंड डाउन आएंगे कि आदमी को समझ में नहीं आएगा क्या करे, वो परेशान करता है केतु। राहु पूरक है, राहु दूसरी तरफ, राहु आदमी को एम्बिशियस बनाता है, आदमी को बोलता है कि चलो पैसा कमाए, मेटेरियलिज्म, जितने भी आपका कंप्यूटर, फिल्म इंडस्ट्री, जितनी भी चीजें राहु से बहुत तरीके से जुड़ी हुई। राहु और शनि एक जैसे होते हैं और बहुत जुड़ा हुआ है। राहु भौतिक उसका कारक होता है, केतु जो है हर चीज को संकीर्ण करता है। तो केतु का सबसे अच्छा जगह होता है 12वें घर में होना, 12वां घर मोक्ष का होता है। अगर 12वें घर में केतु हो तो आदमी का जो दिमाग जो होता है, सेल्फ जो होता है, वो भी स्पिरिचुअलिटी और अपने आप को समझने में लगता है। और कहीं शनि भी साथ हो, शनि केतु लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन, अगर 12वें घर में हो तो आदमी अपने आप को समझ लेता है, और जो अपने आप को समझ लेता है तो वही मतलब मोक्ष का एक। बहुत खूब, जब आप अपने आप को समझ जाते हैं तो जिंदगी के सारे रहस्य स्वतः ही आपके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं और आपकी जो दिक्कतें और परेशानियां हैं वे भी निर्मूल हो जाती हैं। ऐसा कहते हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी। हम केतु ग्रह पर ज्योतिषीय विश्लेषण उनका लेते रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे। अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, मीनू साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से, उनको शामिल करते हैं। हेलो 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 मीनू जी, स्वागत है आपका भृगु नाड़ी ज्योतिष में। हाँ जी, क्या प्रश्न है आप, क्या अपने बारे में कुछ जानना चाहती हैं? हाँ जी, मेरे हस्बैंड का नाम योगेश कुमार बग्गा है, मेरा नाम मीनू है। योगेश जी के बारे में आप जानना चाहती हैं? जी, तो इनका भाई सर काम सेटल नहीं होता है। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तिथि बताइए, जन्म का समय और स्थान बताइए। इनका जन्म है 8 मार्च 1964, टाइम नहीं पता हमें। 8 मार्च 1964। हाँ जी। अच्छा, कहती है समय का, कहाँ पे जन्म हुआ है? इनका मुरादनगर में हुआ है। मुरादनगर? हाँ जी, मुरादनगर गाजियाबाद जिले में जो आता है। मुरादनगर में जन्म हुआ, कहती समय नहीं है, 8 मार्च 1964। तो प्रश्न लग्न से जानना चाहती हैं। प्रश्न आपका फिर से मैं बताइए, क्या जानना चाहती हैं? 1964 इनका काम धंधा सेट नहीं हो रहा कहीं पे भी, 15 साल हो चुके हमारी शादी को। क्या करते हैं आपके पतिदेव? ये ड्राइवर है, पहले अपनी गाड़ी चलाते थे पर वो सब बिक गई, आज अब अपना कुछ इनके पास नहीं है, दूसरों की चला रहे गाड़ी, ड्राइविंग का काम करते हैं। हाँ जी, और घर में भी टेंशन रहती है, हमारी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। सही बस, ये थोड़े दाम्पत्य में कलह है और पति देव जो काम है उनका स्थिर नहीं है। इनसे पूछिए कि इन्होंने इस साल कुछ नया काम करा, इस साल जो चल रहा है, इस साल उसमें कुछ नया शुरू करा है छोटा मोटा? हाँ जी, पहले ये बड़ी गाड़ी चलाते थे ये, और अभी इन्होंने थोड़ा ये टेम्पो वगैरह जो थ्री व्हीलर लोकल चल रहे हैं उनमें चेंज करा, पहले बड़ी गाड़ी से अब छोटी गाड़ी पे आए हैं ये। तो इसमें ये छोड़ो, मैं छोटा काम शुरू, इसमें अगला साल जो है ये अच्छा है और इसमें पैसा कमाएंगे, मगर और भी बहुत कुछ चीजें जिनको, इनका मंगल और शनि साथ में, तो बाकी आते हैं लोगों से दोस्ती
और लोगों को ज्यादा विश्वास करने में इनको